वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक आरटीआई जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा एसएससी को पूछे गए थे और उसके रिप्लाई भी आ गया है। आरटीआई लगाई गई थी 2 अप्रैल को और उसके उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अंदर पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स थे जो 2018 के कराए गए थे उनके ऑलमोस्ट सभी के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं सीएचएसएल 2018 को छोड़कर। तो इसमें पूछा गया था कि कब तक एसएससी सीएचएसएल के स्किल टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और डीवी डेट बताएगा। सेकंड में पूछा गया था कि टायर 3 ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन वाट कंडक्टेड ऑन 22 नवंबर। 22 नवंबर को जो एसएससी का टायर सीजल 2019 का टायर 3 हुआ था उसका है ना 3.5 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं कि कब, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव कॉपी के कैन डिस्क्रिप्टिव कॉपी जो है ना वो उसके रिजल्ट कब तक पब्लिश हो जाएगा। थर्ड में पूछा गया था कि ये ना एसएससी कब तक टायर 2 के मार्क्स डिक्लेयर करेगा। और चौथा स्टेटस रिपोर्ट के बारे में एसएससी से पूछा गया था। इस आरटीआई का रिप्लाई में एसएससी ने जवाब में क्या दिया है कि जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसमें एसएससी ने बोला है ऑल अपडेट ऑफ एसएससी सीएचएसएल स्किल टेस्ट और डीवी रिजल्ट इन रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन इन कंसर्न एग्जामिनेशन सेल बी मेड अवेलेबल ऑफ द वेबसाइट। यानी वेबसाइट पर आपको सारी अपडेट मिलेगी और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप रेगुलरली जो है ना कमीशन की वेबसाइट को चेक करते रहें, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन गाइज एसएससी हर जो है ना एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में जब भी आरटीआई लगाई जाती है उसमें एसएससी यही अपना रवैया दिखाती है कि कमीशंस की वेबसाइट पर आप रेगुलरली चेक करते रहें। लेकिन पिछले जो है 26 नवंबर के आसपास इसका स्किल टेस्ट हुआ था और उसके बाद से लेकर अभी तक इसके बारे में एसएससी ने कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सीएचएसएल 2018 को लेकर। अब गाइज सेकंड नंबर का जो पॉइंट था उसका जवाब में एसएससी ने लिखा है कि वर्क जो टायर 3 है उस पर वर्क चल रहा है लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। स्टूडेंट्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर शेयर नहीं की जा सकती। वाह। अब पॉइंट नंबर थ्री में एसएससी ने लिखा है वापस वही है कि एग्जामिनेशंस टायर 3 के मार्क्स टायर 2 के मार्क्स जो है ना वो टायर 3 के रिजल्ट के साथ डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आपको कैंडिडेट्स उनको एडवाइस दी जाती है कि वो जो है रेगुलर इस पे है ना वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहें, उनको इन वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस ये तीनों अपडेट मुझे आपको देने थे। इसमें एसएससी ने काफ़ी बकवास रिप्लाई जो है आरटीआई का वो दिया है। अब गाइज एसएससी हेडक्वार्टर में बात होने पर एसएससी सीएचएसएल के बारे में एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में जो वहाँ से पता चला है उन्होंने कहा है कि 20 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है और साथ ही जो है मई में इसका डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। ये एसएससी के हेडक्वार्टर से सूचना मिली है। साथ ही गाइज 2019 के बारे में एसएससी ने अभी तक कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन फ़ोन के थ्रू भी नहीं दिए हैं। थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मैं नई अपडेट लेकर आपके सामने आता रहूँगा।